अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप जो है अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर जो है सब्सक्राइब बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें आप लोगों के सामने सब्सक्राइब बटन चल रहा है, तो आप जो इस तरह का अपनी वीडियो के अंदर जो है कैसे चला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये काइन मास्टर ओपन कर लेना है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपके सामने ये काइन मास्टर ओपन है, तो यहाँ पर देखें आपको एक ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने तीन रेशो आ जाएंगे जो आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं जिस पे, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपने वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसको एडिट करना चाहते हैं और सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये वीडियो मैंने एक सिलेक्ट कर ली है। तो आप जो है इसके ऊपर कैसे बटन लगा सकते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आपको जो है यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है कि आप किस टाइम पे बटन लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने शो होते हैं, तो यहाँ से आपने मीडिया पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सब्सक्राइब वाली वीडियो होगी, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं जो है ये सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने वीडियो सिलेक्ट की, तो ये आपके सामने वीडियो आ चुकी है। इसको ओके कर देंगे तो ये देखें आपके सामने ये आ चुकी है। तो आपने सिंपल इस पर टैप करना है और ये आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्रोमा की एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसको जो है आपने अनेबल कर देना है। तो ये अनेबल करेंगे तो ये देखें इस वीडियो के जो है दो हिस्से बन चुके हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वाइट वाले हिस्से को फुल वाइट कर देना है और ब्लैक वाले को फुल ब्लैक कर देना है। तो ये देखें ये इसको मैं वाइट करता हूँ, ये देखें वाइट हो रहा है, तो इसको फुल आपने वाइट कर देना है, ये किया। और ब्लैक वाले को जो है फुल आपने ब्लैक बना देना है और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आपके सामने वीडियो आ चुकी है, ये सब्सक्राइब बटन जो है ये बन चुका है। तो आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखें। तो आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं वो जगह आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि ये जो है राइट साइड से इंटर हो और जो है बैक भी चला जाए, तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इन एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखें ये स्लाइड लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने ओके कर देना है, दोबारा इस पर टैप करना है और यहाँ पे देखें आउट एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे राइट पे करते हैं तो ये वापस चला जाएगा, तो ओके कर देना आपने। तो ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये देखें ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये देखें ये आपके सामने सब्सक्राइब बटन जो है ये चल रहा है। तो आप जो है अगर ये आपको बनाना नहीं आता तो इसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है काइन मास्टर के अंदर ही अपने चैनल का जो है एनिमेशन बना सकते हैं, तो वो वीडियो आप जाकर देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई।